मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण यानी डिमोनिटाइजेशन का ऐलान कर दिया था। इस कदम के साथ कई दावे किए गए थे, जैसे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा और मुल्क में करप्शन का नामोनिशान भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलकर डिमोनिटाइजेशन नाम के अनर्थ पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री की नोटबंदी की घोषणा के बाद लोगों के बीच असमंजस था कि यह फैसला सही है या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो लोग बटे हुए थे। इस समय सरकार ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर लोगों को लाइन में खड़ा होने के लिए राजी कर लिया। कई सेलिब्रिटीज ने यह दलील दी कि नोटबंदी देश हित में है, इसलिए लोगों को फौरी तौर पर होने वाली परेशानी से एतराज नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये जो इश्यूज है ना कि देश के लिए क्या सही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए। जो चीज हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए, फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो वो छोटी बात है। ऐसे सफर कर रही है और ये जहाँ पे मैं तो लोगों को बोलती हूँ, आप लोग US एम्बेसी की वीज़ा लेने जाते हो तो 3 दिन लाइन में खड़े होते हो, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप अपने देश की सुधार के लिए थोड़ी 2 दिन 3 दिन की तकलीफें नहीं सह सकते। प्रधानमंत्री ने खुद भी 50 दिन का समय मांग कर कहा कि अगर 50 दिन में नोटबंदी का असर नहीं दिखा तो वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। शायद यही वो समय था जब देश हित में परेशानी उठाने का चलन शुरू हुआ। देश हित में आज भारतीय 120 रुपए लीटर पेट्रोल भी खरीद रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर भरोसा कर लोग लाइन में लग गए। सवाल करना मीडिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो खुद नोट में चिप होने जैसी कवायद लेकर बैठा था। टीवी चैनलों पर जो बयान रिपीट पर चल रहे थे वो नोटबंदी की तारीफ में ही थे। इस कदम के लिए सरकार से सवाल करने वाले लोगों को टीवी पर कोई जगह नहीं दी गई। नोटबंदी के फौरन बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, एक बार फिर मिस्टर मोदी ने दिखा दिया कि उन्हें इस देश के आम लोगों की कितनी परवाह है। किसान, छोटे दुकानदार, गृहणियां सभी परेशानी में हैं, जबकि असली अपराधी विदेशों में अपने काले धन पर विराजमान हैं। बहुत खूब मोदी जी। राहुल गांधी ने सवाल भी किया था कि 1000 के नोट की जगह 2000 का नोट लाने से जमाखोरी पर कैसे लगाम लगेगी। उस वक्त राहुल को इन सवालों के लिए ट्रोल किया गया था। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी भविष्यवाणी की थी कि नोटबंदी से GDP में 2% की गिरावट आएगी, लेकिन उस समय कोई भी इन बातों को न सुनना चाहता था और न ही इन पर विचार करना चाहता था। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर इतना विश्वास किया कि हर चीज से गुजरते हुए भी वो नोटबंदी की सराहना ही करते रहे। नोटबंदी के कारण 100 से ज्यादा लोगों की जाने गईं। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक 15 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाईं। बैंकों के बाहर लाइन लगाने वाले कई लोगों ने पुलिस की लाठियां भी खाईं, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कोई कमी नहीं आई। मैं हमारे PM जी के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश हूँ, मैं उनके साथ हूँ और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है
ये देश के अच्छे के लिए, हित के लिए हो रहा है। जिससे मैं एकदम 110% खुश हूँ। और एक मोदी जी को मैं एडवाइस भी देना चाहता हूँ, ये मैं देना चाहता हूँ, जैसे नोटों पे ये जो नए नोट पे आ रहे हैं उसमें डेट, तो इसमें जो नोटों पे एक्सपायरी अगर ये लिख देते हैं, मतलब एक नोट जो है वो 5 से 6 साल के लिए वैलिड हो, तो ब्लैक मनी कहीं ना कहीं 110% के लिए पूरे देश से गायब हो सकती है। नोटबंदी को लेकर लोगों की सकारात्मकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नोटबंदी के 1 साल बाद सरकार ने काला धन विरोधी दिवस मनाया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सरकार के दावों की पोल खुलने लगी। सरकार का दावा था कि नोटबंदी कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ देगी, लेकिन खुद सरकार के आंकड़ों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम होने की जगह बढ़ी। लोकसभा में 23 मार्च 2021 को दिए गए जवाब के अनुसार साल 2016 में कश्मीर में आतंकवाद की 322 घटनाएं हुई थी। यह संख्या 2017 में बढ़कर 342 हुई और 2018 में 614 हो गई। सरकार ने यह भी दावा किया था कि काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 99% से भी ज़्यादा धनराशि बैंकों में वापस आ चुकी है। यानी जो काला धन भ्रष्टाचारियों को नदी नालों में बहा देना था वो बैंकों में वापस आ गया। प्रधानमंत्री के इस दावे का भी पर्दा चाक हो गया। सरकार का तीसरा अहम दावा था कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़कर भारत करप्शन मुक्त हो जाएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद से भारत में कैश सर्कुलेशन 64% बढ़ गया। साल 2016 में नोटबंदी से पहले तक जहां भारत में सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपये ही मार्केट में मौजूद थे, वहीं आज मार्केट में 29 लाख करोड़ रुपये का कैश मौजूद है। सरकार का एक और दावा था कि अर्थव्यवस्था में जाली नोट बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिन्हें नोटबंदी के जरिए खत्म किया जाएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद सिर्फ 58 करोड़ यानी कुल धनराशि का 0.004% ही जाली नोटों के रूप में वापस आया। तो क्या लोग सिर्फ 0.004% के लिए ही लाइनों में लग गए थे? अगर नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ तो लोगों ने इतनी परेशानी उठाकर नोट क्यों बदल पाए? और अगर नोटबंदी गलत फैसला था तो क्या प्रधानमंत्री 5 साल बाद चौराहे पर आकर अपनी गलती कबूलेंगे? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन।